ये विंग्स देख रहे हो, ये विंग्स हैं पवन चक्की के, इतने बड़े बड़े यार, मैंने इतने बड़े विंग्स तो कभी भी नहीं देखे थे, ये तो बहुत बड़े विंग्स हैं। मित्रों हम पहुंच गए हैं रापर, रापर पहुंच चुके हैं। और 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 हेलो गाइस एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम नाड़ाभेट। आज हैं हम नाड़ाभेट के अंदर और नादेश्वरी मंदिर में हमें यहाँ पर स्टे मिल गया था रात में रुकने का, बहुत सही स्टे मिल गया। देखो साफ़ सुथरा, कोई भी दिक्कत नहीं हुई, हमें गर्म पानी मिल रहा है और टॉयलेट वॉयलेट सब साफ, मतलब एक नंबर की एकोमोडेशन यहाँ पर हमें मिल गई थी। कुछ चार्जेस हमें देने पड़े, वो भी बहुत मिनिमल चार्जेस हमें यहाँ देने पड़े, बट बहुत सही एकोमोडेशन मिल गई। आज का हमारा जो प्लान है वो है धोलावीरा पहुँचने का। अब बाइक्स वगैरह सबकी रेडी हैं और बैग लगाना मुझे रह गया है, बैग लगाकर और जैकेट पहनकर निकल रहे हैं हम लोग। अभी जाएंगे मंदिर में दर्शन करेंगे, उसके बाद आगे निकल जाएंगे। सो गाइज वी आर रेडी टू रोल। और यहाँ ना ये बहुत बढ़िया धर्मशाला है यार, बहुत पसंद आई मेरे को, नीट एंड क्लीन, बहुत साफ़ सुथरी है और बहुत मिनिमल सा, आपको आप दान ही कह सकते हो, दान देते हैं जैसे, तो दान दे सकते हो। और ये देखिए यार क्या प्रांगण है यार, क्या हरियाली है, बहुत ही अच्छे से बना रखा है इसे, बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ रुक कर तो बहुत मज़ा आ गया, बहुत सही। चलिए बाइक रेडी है, डीजी भाई की बाइक रेडी है, वो अंदर व्लॉग करके आ रहे होंगे, इतने में आगे जाता हूँ। आगे है नादेश्वरी देवी का मंदिर, वहाँ पर मैं जाके अंदर दर्शन करता हूँ पहले तो, और उसके बाद आज हम निकलेंगे धोलावीरा के लिए। जय हो माता की, जय हो, जय माता की। तो गाइस ये वाला रास्ता देख रहे हो आप, ये वाला जाता है जीरो पॉइंट पर। ये देखिए गाइस नाड़ाभेट आगे 1 किलोमीटर पे और जीरो लाइन इंटरनेशनल बॉर्डर 25 किलोमीटर, ये वाला सीधा रास्ता जाता है। चलिए आगे चलते हैं अब, इस जगह को अलविदा कहने का टाइम आ गया। वैसे तो मन करता नहीं किसी भी खूबसूरत जगह से निकलने का, बट गाइस ट्रैवलर्स क्या होते हैं, मंजिल से मंजिल भटकते हैं, तभी तो कुछ पाते हैं। सो गाइस इस सफ़र में ना, गुजरात के सफ़र में हर एक दिन कुछ नया देखने को मिल रहा है। परसों हमने देखा था रन ऑफ कच्छ, जिसे लिटिल रन ऑफ कच्छ कहते हैं, और आज हम क्रॉस करने वाले हैं रन ऑफ कच्छ के बिल्कुल पास से धोलावीरा हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए फिर आगे, आज धोलावीरा के लिए हमें 200 किलोमीटर कवर करने हैं, तो आज थोड़ा सा खींच कर चलते हैं। हाँ क्या कह रहे हो, हम पूरा गुजरात घूमेंगे, कोई मंजिल नहीं है, क्योंकि मंजिल है तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो फासले हैं, फासले तो उम्मीदें हैं, क्या कर सकते हैं जी। नहीं
गाड़ी अहमदाबाद की है, मैं दिल्ली का हूँ। हिंदी मालम? हिंदी मालम, ठीक। सो गाइस यहाँ पर हम एंजॉय कर रहे हैं क्या, गुजराती फूड। तो यहाँ पर हम संदीप जी से पूछते हैं कि क्या क्या है, क्योंकि यार एग्जैक्ट नाम ना जल्दी से याद होते नहीं है खाने के। ये है खमन ढोकला। ये है खमन ढोकला। खमन ढोकला। ये है प्याज कचौरी। प्याज कचौरी। और ये है समोसा। समोसा कैंची से कटा हुआ। कैंची से कटा हुआ। लाइए जी, धन्यवाद धन्यवाद। यार दोस्त, क्या हाल है? केम छो? मजा मा। एक काम कर दो, जरा इसको खोल दो, इंजन ऑयल टॉप अप करना है इसमें। ये कितने का आता है गाड़ी? गाड़ी ढाई लाख। वो आपके साथ है ना? अच्छा अच्छा, वो एक 13 लाख की है, एक 11 लाख की है। तो कहाँ से भी कितनी की? दिल्ली से। दिल्ली पूरा का गुजरात। आप कहाँ के हो? हम, मैं दिल्ली का हूँ। अरे अरे बाप रे बाप, भैंसे जो है गड़बड़ा जाती हैं आवाज़ों से बाइक की। जानवर कभी भी अटैक करता तो तभी करता है जब उसे खुद की जान पर खतरा होता है। अरे बाप रे, क्या बड़े बड़े सींग हैं। कौन कौन घूमेगा गुजरात में? मैं। अरे वाह, ये विंग्स देख रहे हो? ये विंग्स हैं पवन चक्की के, इतने बड़े बड़े। यार मैंने इतने बड़े विंग्स तो कभी भी नहीं देखे थे। ये तो बहुत बड़े विंग्स हैं, बहुत बड़े हैं। उत्तरी देखो भाई, सामना किससे हुआ है। बहुत आराम से चलना पड़ेगा, कभी कोई बिदक गई तो काम हो जाएगा। 35। मौत के मुंह से वापस आना। इस जगह का नाम क्या रखना है? इस जगह का नाम ढूंढो कुछ। मित्रों हम पहुंच गए हैं रापर। रापर पहुंच चुके हैं प्यारे देशवासियों, हम लोग रापर पहुंच गए। अब यहां पर हमने पापड़ खाना है। रापर में लंच करना है। हाँ, पापड़ भी खाएंगे, लंच भी करेंगे। तूने बोला ना पापड़ भी खाएंगे, तो हमने बोला रापर भी खाएंगे। रापर खोल के पापड़ खाएंगे भाइयों बहनों। अड़ जाओ नहीं तो मैं ये बजा दूंगा। अरे भाई साहब, कहाँ कर रहा है वो? तुम तो मजामा चला रहे हो भाई।
सुविधा रेस्टोरेंट। चलो जी प्यारे देशवासियों, यहाँ करेंगे हम लंच बहुत ही सारा। लंच हमारा हो गया है होटल सुविधा रेस्टोरेंट, ये वाला खाना एक नंबर था, बहुत स्वाद लगा खाना यार, खा के आत्मा तृप्त हो गई। और अभी अपना प्लान ये है कि हम यहाँ से जाएंगे धोलावीरा, यहाँ से 92 किलोमीटर के आसपास है, हाईवे से अंदर निकल के हम लोग यहाँ आए थे लंच करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर लंच मशहूर है, स्वाद मिलता है, दिल्ली वाला खाना मिल जाता है यहाँ पर। तो चलो फिर अभी बाइक पर मिलते हैं। अच्छा भाई चलो गाइस आगे जा रहे हैं अब हम लोग। सो प्यारे मित्रों 40 किलोमीटर के आसपास रह गया है धोलावीरा, और ये देखिए व्हाइट कलर में आ गया है ये पैच, बहुत ही ऑसम लगता है ये, जो नमक है उसकी वजह से ये सारा व्हाइट हो जाता है। ये देखिए ऐसा लगेगा आपको कि बर्फ गिरी हुई है, अमेजिंग है ना, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए फिर यहाँ पर रुकते हैं। हा 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 हा, ओहो क्या ऑसम यार नमक का पैच है। सर ये कहाँ से आता है नमक? नमक पानी का नमक है, ये पानी से नमक बनता है। यानी कि सागर का पानी यहाँ तक आता है। धोलावीरा 34 किलोमीटर। लाल लाइट जल रही थी, तुमने बटन ही नहीं दबाया। सबके पोज खराब है। सनसेट ऑलमोस्ट होने वाला है थोड़ी देर में, और धोलावीरा पे हम करेंगे डिनर स्टे, और वहीं से ही देखेंगे सनसेट। धोलावीरा मेट्रोपोलिस ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। लो जी धोलावीरा मेट्रोपोलिस ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, यानी कि जो हरप्पन संस्कृति है उसका महानगर आ गया है धोलावीरा। चलिए अभी थोड़ी देर में हम अंदर जाएंगे और उसके बाद रूम वगैरह।